IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ श्रद्धा। पटना में अनलॉक 6 के तहत सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके तहत इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने इस साल दुर्गा पूजा के आयोजन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन इस पर रोक लग सकता है। अब रोक कैसे लग सकता है ये आपको बताते हैं। बता दें कि अनलॉक 6 के तहत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने पटना में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की छूट दे दी है, लेकिन इस बार पूजा पंडाल और देवी के दर्शन के लिए सड़क पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना जरूरी होगा। दुर्गा पूजा में देवी के दर्शन के लिए निकलने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। श्रद्धालुओं को मास्क पहनना तो जरूरी होगा, इसके अलावा उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। पूजा आयोजन समिति द्वारा पंडाल में श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम भी करवाना जरूरी होगा। पटना जिला प्रशासन ने पटना में दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल सजाने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन इसके लिए जो भी जरूरी गाइडलाइंस है उसका पालन करना बेहद ही जरूरी है। दुर्गा पूजा आयोजन समिति द्वारा पहले की तरह भव्य पंडाल का निर्माण भी कराया जा सकता है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि अगर संक्रमण बढ़ने पर जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक भी लगाया जा सकता है। पटना में दुर्गा पूजा आयोजन के को लेकर DM ने भी अनुमंडल पदाधिकारी और DSP को पत्र भी भेजा है। DM ने पत्र में यह निर्देश दिया है कि पटना में कोई भी पूजा पंडाल बिना अनुमति के नहीं बनाया जाएगा, इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पूजा पंडाल के अंदर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कड़ाई से होना चाहिए, इस पर शांति समिति की बैठक भी आयोजित करने की निर्देश DM ने सभी पदाधिकारी और DSP को दिया है। अब ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम मास्क पहने, कोरोना की सारी गाइडलाइंस का पालन करें, ना सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए बल्कि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके इसलिए भी। अभी बिहार में तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है, इसके साथ ही वायरल बुखार और डेंगू भी अपना कहर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।